प्रिय बच्चों, मेरे द्वारा जो प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की गई है उसके संदर्भ में मुझे आपसे ये कहना है कि ये प्रश्न एक मॉडल है जो आपको बताते हैं कि आप जब किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसे ध्यान से पढ़ें। जैसे अगर जैसे ये हमारा पहला प्रश्न है योनो से है, तो योनो को आप तुरंत खोल लें, या इस क्वेश्चन को वैसे तो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मेरे सॉल्व कर देने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि आप खुद इस क्वेश्चन को अपने जो नोट्स हैं या मैटर कहीं दिए गए हैं, किसी किताब में दिए गए हैं, ठीक है, वहां से आप इसको अगर सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप न केवल इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अभी तो इस जैसे अनेक और क्वेश्चनों को भी निर्माण कर लेंगे। देखिए, सफलता पढ़ने से नहीं मिलती, मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती, अपितु सफलता कुछ अलग करने का नाम है। अलग सोचिए, अलग रहिए, ठीक है, तभी आप औरों से अलग होते हैं और वही अलगाव आपकी विशेषता बनता है और वही विशेषता आपको चैन देती है। फिलहाल मैं आपका टाइम किल नहीं करना चाहता हूं, तो हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या दिया है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए था। सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द यूएन मेंबरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब मैं आपको यह क्वेश्चन समझा दूं कि देखिए, इसमें यह पूछना है, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कोई भी नया राष्ट्र जब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है तो वह किस आधार पर बनता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। क्लियर? तो इसमें जो पहला विकल्प दे रहा है, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सिफारिश मतलब सबसे पहले सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है। किससे सिफारिश करती है? महासभा से या जनरल असेंबली से सिफारिश करती है, ठीक है, तब उस राज्य को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में शामिल किया जाता है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि परिषद के प्रस्ताव, मतलब सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9, 9 मतलब 9 वोटों की आवश्यकता होती है और अस्थाई सदस्यों द्वारा कोई वीटो नहीं किया जाता। वीटो, ठीक है, मतलब किसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किसी आवेदक होना चाहिए था। आवेदक को सुरक्षा परिषद और फिर कम से कम 2/3 महासभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो इसमें देखिए, पहला विकल्प सही है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी नए राज्य को या नए देश को, ठीक है, यूएनओ का सदस्य बनाती है। तो ये तो सही है, कोई भी नया राष्ट्र तभी यूएनओ का मेंबर बनेगा जब सुरक्षा परिषद ने जनरल असेंबली या महासभा के सामने सिफारिश किया हो। दूसरा, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है और अस्थायी सदस्यों द्वारा कोई वीटो नहीं किया जा सकता। तो सुरक्षा परिषद में कुल मेंबर्स कितने हैं? 15। 15 में से 9 वोट अगर पक्ष में आते हैं तो वह नया राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बन जाएगा। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किसी आवेदक को सुरक्षा परिषद और फिर कम से कम 2/3 महासभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2/3 नहीं, सामान्य बहुमत चाहिए, ठीक है। तो ये
तीसरा गलत हो गया। इसकी व्याख्या भी शायद की गई होगी। तो अब हम ये देखते हैं एक और दो, तो ये देखिए ये आंसर यही दो है। अब देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या की गई है। तो व्याख्या में देखिए यही चीजें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णयों द्वारा राज्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दी जाती है। क्लियर? कथन एक सही है, कथन दो भी सही है। क्यों सही है? यह परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है और अस्थाई सदस्यों द्वारा कोई वीटो नहीं किया जाता, ठीक है ना। वीटो आप समझ रहे हैं नकारात्मक शक्ति, क्योंकि अगर कोई भी सदस्य जो 5 पावर्स हैं, ठीक है, इन 5 पावर्स में कोई भी अगर वीटो लगा देता है, ठीक है, तो या अनुपस्थित हो जाता है तो भी उसको सदस्यता नहीं मिल पाएगी। और तीसरे की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। फिलहाल हम पढ़ देते हैं कि कथन 3 गलत है। तो अगर कथन 3 गलत है तो क्यों गलत है? वो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए एक आवेदक को सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, ठीक है, ये तो बताया जा चुका है। लेकिन फिर इसके लिए महासभा में साधारण बहुमत वोट की आवश्यकता होती है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पूर्ण बहुमत पूछ रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, 2/3 वोट जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये गलत हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा नसीहत देने के लिए, ठीक है, या सचेत करने के लिए हिस्ट्री से जोड़ दिया है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिए गए हैं इस पर विचार करना है आपको। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें देखिए ये जो 4 चीजें दी गई हैं, ये 4 किताबें हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि महाकाव्य है। अब कह रहा है कि एक है मनी मेकलाई, दूसरा है तिरुकुरल, तीसरा है शिल्पाधिकारम और चौथा है तोलकापियम। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर रिटन बाय तिरुवल्लुवर, कि इसमें से कौन सी किताब ऐसी है जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा है। तो देखिए मनी मेकलाई तो इलंगोवादिगल की है, नहीं मनी मैकलाई सॉरी सीतले सतनार की है, सीतले सतनार की है। शिल्पाधिकारम जो है ये इलंगो आदिगल की है। और तिरुकुराल यही किताब है जो किसकी रचना है, तिरुवल्लुवर की रचना है, ठीक है, क्लियर। और तिरुकुराल को ही दक्षिण का या संगम का बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है, क्लियर। और ये है तोलकापियम, ये तोलकापियम का जो लेखक है वो है तोलकापियर, तोलकापियर है, क्लियर। और तोलकापियम तमिल व्याकरण की प्राचीनतम किताब है, क्लियर ना। तो ये ग्रामर की किताब है, ठीक। अब आपके सामने यह चीज क्लियर हो गया कि तिरुकुराल का जो लेखक है तिरुवल्लुवर है, और ये किताबें संगम युग की है। संगम युग ये 2 सेंचुरी BC में शासन करता है, कहाँ शासन करता है, तो आप कहोगे कि सर यह चेर चोल और पांड राज्य में शासन करता है था, जिसे आज हम कह सकते हैं चेर का मतलब केरल हो गया, पांड का मतलब तमिलनाडु हो गया और चोल का मतलब यह हो गया आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के हिस्से को लेकर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एक द्वीप के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि सुलावेसी आइलैंड वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द डेंजरस
आर्क स्प्रेडिंग एज फॉलिंग रॉक्स हॉट वेलकनी क्लाउड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सुनामी इट इज लोकेटेड इन। मतलब देखिए सीधी सीधी सी बात, आपको यह पूछना है कि सुलवेसी द्वीप अभी चर्चा में क्यों आया, तो आप कहेंगे कि सर वहां पर जो है ज्वालामुखी के बादल बने थे और सुनामी आने की संभावनाएं बढ़ गई थी। तो कह रहा है कि सुलवेसी यह कहाँ पर स्थित है, तो इसमें देखिए आइलैंड दिया है, आइसलैंड दिया है, यूनाइटेड स्टेट दिया है, जापान दिया है और इंडोनेशिया दिया गया, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा भी है द सुलावेसी आइलैंड विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड एसोसिएटेड डैंजर इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित कह रहा है कि देशों पर विचार करिए। ये लिखा है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये फ्रांस, ये यूनाइटेड स्टेट, ये सऊदी अरबिया। कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब ही इसका आंसर है, तो डी इस जो विकल्प दिया गया है यही सही है। अब इसकी व्याख्या भी कर दी गई है, ओनली वन ऑफ द कंट्रीज सऊदी अरबिया इज अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड हेंस पार्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, सऊदी अरब ही मध्य पूर्व कॉरिडोर का हिस्सा है। ठीक है ना, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमने विज्ञान से जोड़ दिया है, तो देखिए इस पर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, ये जो तीन चीजें दी गई हैं इन पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि उपरोक्त में से कितने के कारण बाझपन होता है, स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाने पर भी स्त्रियां बच्चे नहीं पैदा करती, फिर कह रहा है ओविलेटरी डिसफंक्शन से भी नहीं होता। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंडोमेट्रियोसिस से भी नहीं होता। तो आप याद रखिएगा, अगर तीनों में से कोई एक स्थिति मौजूद है या तीनों स्थितियां मौजूद हैं, तो एक स्त्री माँ, एक लड़की माँ नहीं बन सकती। क्लियर, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या है। तो कह रहा है कि ऑल द थ्री ऑफ द कंडीशन लिस्टेड, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ओविलेटरी डिसफंक्शन एंड एंडोमेट्रियोसिस आर कॉमन कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। सूचीबद्ध सभी तीन स्थितियां फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ओविलेटरी डिसफंक्शन और एंडियोमेट्रिक्स बाझपन जो है इसका सामान्य कारण है। क्लियर ना, तो अब देखिए इन तीनों में से अगर कोई एक है या तीनों है तो वह ठीक है मां नहीं बन सकती, लेकिन आप इसे पहचानेंगे कब कि ये स्थितियां हैं। तो देखिए जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए या एंड्रोमेट्रोसिस हो जाए या ओविलेटरी डिसफंक्शन हो, तो उसमें एक खास बात यह होती है कि यौन संबंध बनाते समय स्त्रियों को दर्द होता है और एंड्रोमेट्रोसिस में भी दर्द ही होता है। ठीक है, और इसमें फिलिपियन ट्यूब्स में भी होता है, इसमें तीनों स्थितियों में एक ही बात होती है, और पीरियड के दौरान जो है निचले हिस्से में दर्द होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अब अगली बातें हमारे सामने आ रही है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो देखिए इसमें
डिफेंस से हमने क्वेश्चन नहीं लिया है। ये कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विथ रेफरेंस टू द ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज टू स्टेज मिसाइल विथ अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। यह एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन वाले दो चरणों वाले मिसाइल है। दूसरा, मिसाइल में रडार सिग्नेचर बहुत कम है जो इसे गुप्त बनाता है। एक बार तय होने के बाद मिसाइल का रास्ता बदला नहीं जा सकता। ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र कोई संस्करण नहीं है। तो देखिए, पहली चीज मैं आपको ये इसके नाम को बता दूं। देखिए, यह पहली चीज की यह इंडिया और रसिया रूस का ये ज्वाइंट वेंचर है, मतलब इन दोनों देशों ने ही मिलकर के इसे निर्मित किया है। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि यह 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और 300 केजी का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। यह विस्फोटक न्यूक्लियर बम भी हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं कि एटम बम को भी यह ले जा सकता है और ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, क्लियर। और सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि यह दुनिया का अब तक का सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है। इवन कि यूएसए का टॉम हॉक जो मिसाइल है ना, वो भी इसके सामने बौना है। क्लियर। अब फिर कह रहा है कि यह ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन वाले दो चरणों में वाले मिसाइल है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि यह क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। और रॉकेट में क्या होता है? स्टेज होते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यह दो स्टेज वाली मिसाइल है। ठीक है, तो जी हाँ, दो स्टेज वाली मिसाइल है। तो इसमें एक स्टेज में क्या भरा जाता है? ठोस भरा जाता है, और इसके ऊपर वाले में लिक्विड भरा जाता है। ठीक है, लिक्विड प्रोपेलेंट। ठीक है, प्रोपेलेंट मतलब ईंधन भरा जाता है। तो इसका मतलब ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है कि मिसाइल में रडार सिग्नेचर बहुत कम है जो इसे गुप्त बनाता है। अब रडार सिग्नेचर का अर्थ आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि रडार सिग्नेचर क्या है होता है। तो देखिए, जो इतने नीचे से जाए कि रडार पर ये इसकी इमेज ना पाए, मतलब रडार समझ ही ना पाए कि यह कोई चीज हमारे कोई ऑब्जेक्ट उधर से गुजरा है। ठीक है, क्लियर ना। तो इसलिए जब रडार ही इसे पकड़ नहीं पाएगा तो ये बड़े गोपनीय तरीके से जाएगी और उस पर अटैक करके खत्म कर देगी। अचूक निशाना है इसे। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि एक बार तय होने के बाद मिसाइल का रास्ता बदला नहीं जा सकता। आप बार बार बदल लीजिए, इसका मतलब ये गलत है। फिर कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र कोई संस्करण नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को आप आकाश से समुद्र में, समुद्र से आकाश में, समुद्र से समुद्र पर, समुद्र से धरती पर या धरातल पर कहीं पर भी आप फायर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये भी है कि फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर भी यह कार्य करती है। ठीक है, कि दागो और भूल जाओ। अब ये जो चीजें आ रही हैं, ये थोड़ा सा आपके सामने इंडियन पॉलिटी, आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है ना। तो अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा कह रहा है कि गिरफ्तारी में गिरफ्तारी के स्थान से अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल है। द अरेस्ट इंक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना या अनुमति के बिना उक्त अवधि से, उक्त अवधि मतलब 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें कौन सा यह
तो देखिए ये तो सही है, पहला तो सही है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है, 24 घंटे के अंदर ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा या जज के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब कह रहा है कि गिरफ्तारी के स्थान से अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल है, नहीं? ठीक है, ये जो 24 घंटे का समय है आप जेल से लेकर के और कोर्ट तक आने में जो समय लगता है उसे काउंट नहीं किया जाता 24 घंटे में, तो इसका मतलब ये गलत। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या है? केवल एक, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर थोड़ा अलग है, ये कह रहा है कि PAC2 एंड PAC3 वेर रिसेंटली इन यूज, मतलब ये PAC2 और PAC3 अभी यह समाचारों में क्यों रहा है? तो आप कहेंगे क्योंकि यह मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, नहीं। कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, नहीं। यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सही है। एयर डिफेंस सिस्टम ने, ये नहीं है, केवल यह है। आगे देखते हैं, आगे इसी की व्याख्या है कि कह रहा है कि PAC2 एंड PAC3 क्या है? यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा निर्मित है, ठीक है, और यह एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंटरसेप्ट कर देता है किसी मिसाइल को, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको भूगोल से या ज्योग्राफी से जोड़ दिया गया है। कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कोरल्स, मूंगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दे आर इसेंशियली एनिमल विच अटैच देमसेल्व टू द ओशन फ्लावर, वे मूल रूप से ऐसे जानवर हैं जो खुद को समुद्र तल से जोड़ते हैं, ठीक है, इन्हें समुद्र की वर्षा वन कहा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि यह समुद्र तल से नहीं जोड़ते, ठीक है, और इन्हें समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, सही बात। वे आर्थिक सम्मान और सेवा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहा है कि वे प्रकाश और तापमान के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, यह गलत है क्योंकि यह हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब अगला पोर्शन देखते हैं। अगले पोर्शन में यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ्स, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है ना, ये सब व्याख्या मैंने कर दिया है। अगला क्वेश्चन जरा आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित में सही है? भोजशाला कमाल मौला विवाद का इतिहास किस समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, व्हाट टाइम डज द हिस्ट्री ऑफ द भोजशाला कमाल मौला डिस्प्यूट डेट बैक, अकबर के काल में यह शुरू होता है, और बादशाह अकबर का टाइम क्या है? 16वीं सेंचुरी है, तो इसका मतलब इन द 16th सेंचुरी, तो इसमें अगर हम इसे ए बी सी डी कर लें तो इसमें कौन सा है? बी आंसर इसका सही है। फिर करेक्ट इन विच प्रिजेंस इज जूलियन असांजे करंटली हेल्ड, मतलब जो जूलियन असांजे हैं वह किस जेल में बंद है? क्लियर, तो आप याद रखिएगा यह यूनाइटेड किंगडम के बेलमार्स में बंद है, ये देखिए आंसर दे दिया है, बेलमार्स। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहिद बेहस्ती बंदरगाह हाल में खबरों में था, यह मौजूद है किस देश में?
शाहिद बहेश्ती फोर्ट वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन, तो आप याद रखिएगा ईरान में, ठीक है। और अगर हम इसे व्याख्या करें तो ये देखिए, ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, और इस चाबहार बंदरगाह का निर्माण कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है। इस चाबहार बंदरगाह का पहला स्टेज पूरा हो चुका है, और उस पहले स्टेज को क्या कहा जाता है? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये चाबहार बंदरगाह का ही फर्स्ट स्टेज है। अगला पोर्शन फिर जूलियन असांजे से है, कि जूलियन असांजे किस देश से हैं? तो आप याद रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है, यह कल्चर से है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मंदिर वास्तु कला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली गुप्त काल के अंत में उभरी, जी उभरी थी, यहीं पर यह जन्म होता है इसका, मतलब पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में यह इसका इमर्जिंग होती है। फिर कह रहा है कि इन मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ अनुपस्थित होता है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। इसमें प्रदक्षिणा पथ, ये मंदिर है तो मंदिर के चारों ओर, ठीक है, यह है परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ होता ही होता है। फिर कह रहा है कि इसका मतलब ये गलत हो गया। तो शिखर नागर शैली के मंदिरों का सबसे विशिष्ट पहलू है, बिल्कुल है, ये भी सही है, इसका मतलब ये सही है, ये सही है। ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनते हैं, जी हाँ, ये ऊंचे चबूतरे पर ही बनते हैं। और पहला जो मंदिर है, नागर शैली का पहला मंदिर, यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे कि सर ललितपुर में पड़ता है, बुंदेलखंड में ललितपुर में पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा भारतीय संविधान से भी हमने जोड़ दिया है क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्या है, क्या विचार करना है? कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, किसी को भी, भारत में संविधान का उल्लंघन करने पर किसी को भी दंडित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये सही है, ये मतलब सही हो गया, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ही सी इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वह पुनः चुनाव के लिए पात्र है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है, वैसे भारत के संविधान में, ठीक है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की प्रलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, जी हाँ हैं। तो इसका मतलब हमारा कौन कौन सही हो गया, ठीक है, एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही, तो ऑल फोर, सभी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये वर्तमान से जोड़ दिया है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो चुनाव के बाद अंगुलियों पर स्याही लगाई जाती है उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत कब होती है, इसको कौन बनाता है और यह क्या होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये देखिए, भारतीय चुनावों के अमिट प्रतीक, अमिट स्याही के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। तो इसकी शुरुआत जो है 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में स्याही का उल्लेख है, बिल्कुल है। अब ये जो अमिट स्याही होती है, क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। और ये इसका कलर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये कलरलेस होता है, रंगहीन यौगिक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश सहित पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर यह दिखाई पड़ता है, ठीक है।
मतलब सूर्य के प्रकाश में देख सकते हैं। आप इसे कितना भी मिटा दें, लेकिन जैसे ही आपके अंगुलियों पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाएगी, यह अस्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। अमिट स्याही का निर्माण सबसे पहले एशियाई के अनुरोध पर सरकार की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया था, ये भी सही है, लेकिन आज इसे मैसूर में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, ठीक है ना, तो ऑल ऑफ थ्री ये सही हो गया। अब अगला है, ये पॉलिटी से है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विथ रेफरेंस टू द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लोकसभा द्वारा 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता समिति के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होंगे। कोई मंत्री समिति का सदस्य बनने के पात्र नहीं होता, किसी भी समिति में मंत्री सदस्य नहीं होता, आप याद रखिएगा। जो समितियां होती हैं ये लघु संसद कही जाती हैं। ठीक है, क्या कही जाती है समितियों को, लघु संसद कहा जाता है। और किसी भी समिति का अध्यक्ष जो होता है वह, ठीक है, मंत्री नहीं होता। ये अच्छा, इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी सही हो गए। ये तो सही हुआ ही, ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल फोर सही है। अगला अगला क्वेश्चन डिफेंस से जोड़ दिया है। ठीक है, लेटेस्ट जानकारी है, डेविड का सेलिंग हाल ही में खबरों में रहा है क्यों, मतलब डेविड सेलिंग्स वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इट इज। तो कह रहा है कि बेरोजगारों के लिए यह आर्थिक संकेतक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, नो। युद्धों में प्रयुक्त एक रक्षा प्रणाली है, आप इसी को सही कर लीजिए, ये सही है। और इसका यूज कौन कर रहा है, आप कहेंगे इसराइल के आयरन डोम में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, भारत का आयरन डोम भी बन रहा है, उसका क्या नाम है, इंद्रजाल, ये भारत का एरोड्रम है, ठीक है ना, अरे सॉरी एरो डोम है। अब यहाँ देखिए इसकी व्याख्या है, डेविड की सीलिंग है, अ डिफेंस सिस्टम यूज इन अ वॉर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पुनः पॉलिटी से है, फिर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एडजॉर्नमेंट मोशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है, कि इसका उपयोग किसी विशिष्ट और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, जिस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए, मतलब राष्ट्रहित का ऐसा विषय, ठीक है, जो कि जिसके न किए जाने पर राष्ट्र को नुकसान हो सकता है या समाज को बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, उन विषयों को स्थगन प्रस्ताव में लाया जाता है। फिर कह रहा है कि इसे केवल मंत्रिपरिषद द्वारा ही पेश किया जाता है, ये तो गलत है ना, क्यों गलत है, क्योंकि वास्तव में ये सरकार की निंदा है, तो सरकार की निंदा कैसे मंत्रिपरिषद कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष लाता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप एक कितने सही हो गए, एक ये सही हो गया, एक ये सही हो गया, ओनली टू। अब ये खत्म हो गया आज का ये पोर्शन, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, और जल्द ही मैं आपको, ठीक है, दूसरी मतलब सेट लेकर आऊंगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको अंग्रेजी पेपरों के एडिटोरियल और अन्य इंफॉर्मेशन को लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, नमस्ते।